हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएच के व्लॉग्स। आफ्टर सो मेनी डेज आज हम जा रहे हैं नई प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए, जिसकी काफी सारे रिक्वेस्ट हमें व्हाट्सएप पे आए थे और हमें भी पर्सनली वो प्रॉपर्टी विजिट करनी थी जो कि है गेरा। और अभी हम जा रहे हैं उनके सेल्स ऑफिस साइट डिटेल निकालने के लिए। और अभी बजे दिन के 2 और आज है सैटरडे और आज डेट है 4 मार्च। इतने ज्यादा बिजी थे ना हमने गोवा की ट्रिप भी की, उसके भी सारे वीडियोस अभी धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं। ऑफिस में इतने ज्यादा बिजी हैं हम, घर में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, बट अभी सब सॉर्टेड है, फिर से हम अपने ट्रैक पे आ गए हैं वीडियो के। और अब से आपको आगे आगे अच्छे से वीडियो मिलेंगे फिर से, ठीक है। और अगर हमने बहुत आपको इंतजार करा है तो उसके लिए चलता है यार, बिजी रहते तो क्या करें, हम मैनेज करके चीजें करते हैं ना। सुबह 10 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक यू कंटिन्यू कॉल पे, और आज है सैटरडे, सब लोगों को आज टाइम मिलता है ना ऑफिस से, तो वो लोग प्रॉपर्टी के लिए कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। तो सुबह से हम बिजी हैं और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और ये रहा मेरा हीरा। यस, नट्टू ने सही बोला सारे पॉइंट्स। अच्छा लगता है लोगों को, हमें भी बात करना अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है ना। एनीवेज तो आज टाइम निकाला है हमने और हमने सोचा कि आज पूरे दिन हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे हम 3 प्रॉपर्टीज करें कोशिश करेंगे, बिकॉज और भी दूसरे काम है हमारे साथ, क्योंकि वापस वेस्ट साइड के भी प्रोजेक्ट हमें कवर करने, वो भी काम आगे आने वाला है इसमें। यार बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है, क्या करें, सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है यार हम लोगों को। बस वही एक रीजन है कि जिस वजह से हम डिले करते जा रहे हैं वेबसाइट के प्रोजेक्ट, बट आपसे हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कवर करें और थोड़ा टाइम ज्यादा हम डाले ब्लॉगिंग पर। इतने दिनों के बाद आज हम वीडियो के लिए जा रहे, इतना अजीब लग रहा है ना मुझे। बीच में ना हम लोग वीकडे में प्लान करने लगे थे कि हम वीकडे में विजिट करते थे, शाम में ऑफिस जल्दी आकर विजिट करते थे, ऐसे करके मैनेज करते थे हम, बिकॉज वीकेंड पे कैसे कि काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और फिर कैसे कि हम लोग शूट नहीं कर पाते, फिर उन लोगों से बात करने में टाइम चला जाता था। और आज भी ना सैटरडे है तो हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि आज भी सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो कैसे कि फिर हम टाइम नहीं डालेंगे ज्यादा, तो अगर आज हमें कोई सब्सक्राइबर मिले हैं और ये वाला वीडियो अगर वो देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा बहुत कम टाइम मिल रहा है और बहुत ज्यादा काम है, तो उसकी वजह से हम लोग आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे। तो अगर आपने हमारे गोवा वाले व्लॉग नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिए, हमने काफी सारा फन किया, मजे किए और बहुत चीज आपको वीडियो में देखने मिलेगी। अभी तक तो हमने शायद 2 वीडियो भी तक डाल दिए और तीसरा आज या कल डालने वाले। हाँ, उसके लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, पता है, एडिटिंग के लिए बैठ के। हम लोग गए थे ऑलमोस्ट 12-13 फेब को गए थे और आज हो गई है 3-4 मार्च। बताओ यार, कर ही नहीं पा रहे, मतलब ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर कोई अच्छा एडिटर है पुणे में, अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप मुझे कनेक्ट करो, प्लीज कनेक्ट करो, इस नंबर पे मैसेज करो मुझे, एटलीस्ट वील गेट एन हेल्प इन द एडिटिंग पार्ट। तो राइट, तो वो आपको ना वीडियो पे टाइम पे मिल पाएंगे। हाँ, हम कैसे कि वीडियो भी देख रहे हैं, फिर एडिटिंग भी देख रहे हैं, फिर हम लोगों आप लोगों से बात भी करते हैं, फिर हम लोग कभी कभी साइट विजिट भी करने आ जाते हैं, तो टाइम का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। आप समझ रहे होंगे जितनी बार मैं बोल रही हूँ कि टाइम का प्रॉब्लम है। तो अगर आप अच्छे कोई एडिटर हैं और देख रहे हैं हमारा वीडियो तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए हमें। हाँ, वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशली, एंड देन यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, फिर हम आगे कोऑर्डिनेट कर लेंगे वैसे। तो अभी हम लोग पहुंचे फिनिक्स वर्ल्ड स्कूल जो कि लेफ्ट साइड में है और इसी के ठीक बाजू में नया आया है जो कि इंटरनेशनल टेक पार्क है, वो ये रहा, और इसके आगे है गेरा के बंगलोस। तो इसी रोड पर आगे है लेफ्ट साइड में गेरा का सेल्स ऑफिस। तो यहाँ पे रहा गेरा इम्पीरियम हाउस का, इसके ठीक अपोजिट साइड गेरा प्लैनेट ऑफ जॉय का सेल्स ऑफिस, और काफी सारे लोग की गाड़ियां दिख रही है मुझे, काफी सारी कार है यहाँ पर। ओके गाइस, तो हमने ले ली है डिटेलिंग पूरी। देखो कैसा है कि हम लोग है ना प्रॉपर अंदर साइड पे जा नहीं सकते बिकॉज अभी भी वहाँ पे काम चालू है वर्ल्ड ऑफ जॉय में और प्लैनेट ऑफ जॉय में, तो लोकेशन तो आप सभी को पता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर से हम आपको दिखा देंगे कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, और बाकी जो डिटेलिंग है हम फेज 2 के बारे में जो गेरा का नया लॉन्च हुआ है अभी,
जो आ रहा है, जिसका रेरा अभी आएगा 1-15 दिन में, तो उसकी डिटेलिंग हम आपको अच्छे से बता देंगे, आपको समझा देंगे पूरा वर्ल्ड ऑफ जॉय के बारे में डिटेलिंग, और जो भी उनका लैंड पार्सल है कैसा है वो हम एक बार आपको गो थ्रू करा के दिखाएंगे घर जाके। ठीक है, चलो फिर पहले लोकेशन पे चलते हैं। तो सेल्स ऑफिस से थोड़ा सा आगे आके हमने लेफ्ट लिया, यहाँ पर है इसका गिरा कमर्शियल, यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग्स बनी है आईटी पार्क है यहाँ पर। इसी रोड से हम सीधा आगे जाएंगे और फिर वहाँ से लेफ्ट लेंगे, और ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना आप, और यहाँ पे बार्कलेज है इसी बिल्डिंग में, तो ये बार्कलेज ने पूरा एक्वायर किया है उसको। ठीक है, तो ये यूरो स्कूल है बराबर इसके सामने। ठीक है, तो इसी रोड से हम सीधा जा रहे हैं आगे, तो बार्कलेज की एंट्री यहाँ से। गाइस, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। ये वाला रोड जो है ना बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अभी ट्रक का आना जाना है, छोटे अभी जस्ट बना है। तो ये देखो राइट में हम पहुंच गए हैं प्लैनेट ऑफ जॉय, ये प्लैनेट ऑफ जॉय का काम चल रहा है। सॉरी, ड्रोन शॉट्स अभी हम ले नहीं पाएंगे, बिकॉज ड्रोन अभी हमारा ऑन द वे है हमारे पास आने के लिए, बाद में हम करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे काम फुल फ्लेजेडली चालू है इनका, ठीक है, ये पूरा साइड में इन्होंने रोड भी बनाया है, तो इसका काम अच्छे से चालू है प्लैनेट ऑफ जॉय का। ये आपको सामने राइट में दिख रहा है लोधा का सेल्स ऑफिस है, लोधा के सेल्स ऑफिस के अपोजिट यहाँ पे है गेरा वर्ल्ड ऑफ जॉय, ये इसकी एंट्री है। देखो अंदर यहाँ से बिल्डिंग आपको दिख रही है, पूरे बीच में एमिनिटीज का काम चालू है, जहाँ पे वो क्रेन दिख रही है येलो वाली, ये एमिनिटीज का काम चालू है। ये इनका क्लब हाउस है जो की 6th फ्लोर का रहने वाला है। हाँ, ये जो टावर है ना एंट्री वाला, इस टावर के नीचे 2 लेवल पे कमर्शियल शॉप से देखिए, यहाँ पर इनकी मेन एंट्री है, ये पोदर के बराबर अपोजिट ही इसकी एंट्री है। और ये रहा पोदर स्कूल। तो गेरा वर्ल्ड ऑफ जॉय का टोटल जो लैंड पार्सल है वो है 20 एकर्स का, और 20 एकर्स में 7 टावर लॉन्च हुए थे पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट 7 टावर्स रो हाउसेस भी लॉन्च हुए थे, तो रो हाउसेस की डिलीवरीज उन्होंने दे दी है, ठीक है, लोग अभी वहां पे रह रहे हैं। 7 टावर लॉन्च हुए थे जिसमें स्टूडियोस थे, सिंप्लेक्स थे एंड डुप्लेक्स थे, 3 ऑप्शन थे, वो मैं आपको पूरा गो थ्रू करके बताऊंगा। तो टोटल वो 7 टावर्स में ना अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूं तो 950 यूनिट्स हैं अभी तक। सब लोग सुन रहे थे कि यार गेरा का और एक फेज लॉन्च हो रहा है, वो है 2 टावर जो कि अटैच रहेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से टावर वो अभी लॉन्च कर रहे हैं और वहां पे कौन से कार्पेट साइजेस आने वाले होंगे, ठीक है। इसके अलावा वहां पे है 2 लेवल का बेसमेंट पार्किंग एंड प्लस ग्राउंड लेवल का पार्किंग, और जो नया टावर जो लॉन्च होने वाला है ना उसका रेरा जो है मार्च एंड में आएगा, ठीक है, तो इसलिए अभी वो टोकन सिस्टम स्टार्ट किए हैं, लेआउट वगैरह बता रहे हैं, लेकिन उनके प्राइजेस जो है ना वो डिफर करते हैं, एक रेंज रखी है उन्होंने, उस रेंज के हिसाब से होगा। तो उनका बुकिंग वे भी कैसा है, ये डिपेंड्स की ऑन प्रायोरिटी वाला टोकन ले रहे हो या सेकंड प्रायोरिटी वाला टोकन ले रहे हो, उसके बेसिस पे आपको यूनिट का सिलेक्शन दिया जाएगा। तो दिस आर द बेसिक्स विच आर देयर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ जॉय। ओके, तो ये है पूरा 20 एकर का लैंड पार्सल, जैसे मैं आपको बोल रहा था। ये है आपका मेन रोड जो जाता है ऊपर नगर रोड पे ज्वाइन करता है, नीचे पंचशील टावर और बार्कलेज के साइड जाता है। ये है ए टावर, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो इसमें ओनली सी एंड डी, ये 2 टावर जो है दिस इज सिंप्लेक्स, ये ए, बी, ई, एफ ये डुप्लेक्स है, और ये जो है ना जी टावर ये स्टूडियो है, और ये जो एमिनिटीज ये लोग बना रहे हैं ना सेंटर में, दिस इज 3 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, और ये है इनका क्लब हाउस। इसके अंदर भी है ना फ्लोर वाइज इन्होंने एमिनिटीज डिस्ट्रीब्यूट करी है, टेम्परेचर कंट्रोल वाला स्विमिंग पूल इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पीछे रो हाउसेस दिख रहे हैं आपको, रो हाउसेस में भी यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया है, यहाँ पे भी कुछ एमिनिटीज की जगह दी है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो छोटे छोटे सिट आउट्स भी बनाए, यहाँ पे बच्चों का गार्डन बना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो एमिनिटीज में ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब जो फ्यूचर डेवलपमेंट वाली बात हो रही है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये फ्यूचर डेवलपमेंट है, इसमें से अभी इस लैंड पार्सल का रेरा आने वाला है, और यहाँ पे आएंगे 2 टावर, सेम यहाँ पे जैसा आया है ना सी और डी, सेम अपोजिट में यहाँ पे 2 टावर आएंगे। तो इसमें आएगा 2 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4 BHK। तो ये जो है ना 14 फ्लोर की बिल्डिंग है,
तो इससे ज्यादा इनका FSI नहीं है यहाँ। अब यहाँ पे ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये नया DP रोड है जो बनेगा और ये जाके कनेक्ट करेगा जहाँ पे अभी गेरा का सेल्स ऑफिस है। और इस लैंड पार्सल में ये जो पीछे आपको जगह दिख रही है, ये महाड़ा है, तो इसकी एंट्री और एग्जिट है ना यहीं से होने वाली है। तो इनके फ्लैट्स का जो लेआउट है 2 और 3 BHK का, वो हमारे पास है, लेकिन अभी कैसे कि हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज उनका रेरा नहीं आया है। जैसे हम ये वीडियो फर्स्ट बार बना रहे हैं और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा हर एक टावर में कितने यूनिट्स किस तरीके से ये लोग दे रहे हैं। सो दिस इज देयर मास्टर लेआउट, यहाँ पे ना पूरी एमिनिटीज उन्होंने लिखी है। और इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको ये नंबरिंग दिख रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ फ्लैट्स जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक बिल्डिंग में। तो ए बिल्डिंग में देखो आप 15 फ्लैट है, बी बिल्डिंग में 15 फ्लैट है, सी बिल्डिंग में 7 फ्लैट है, ये एक एक फ्लोर के फ्लैट है। अब हमको तो वही गजब लग रहा है कि एक फ्लोर पे 15 फ्लैट है। ई बिल्डिंग में देखो एक फ्लोर पे 15 फ्लैट है। ये जो 15 फ्लैट है ना, एक्चुअली दिस इज डुप्लेक्स, जो मैंने आपको बोला था ना ए बी ई एफ, ये सब डुप्लेक्सेस हैं। सिंप्लेक्स में 7 फ्लैट यहाँ है, 7 फ्लैट यहाँ है, और ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। अब बिलीव नहीं करो कि स्टूडियो अपार्टमेंट में देखो एक फ्लोर पे 22 स्टूडियोज हैं, एंड प्लस उसमें ये भी है रो हाउसेस। ये जो फ्यूचर डेवलपमेंट आपको दिख रहा है ना, ये इनका कमर्शियल रहेगा। तो इस तरीके के पूरा का पूरा 20 एकर्स को उन्होंने यूटिलाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद ए टावर। तो ये है ए टावर, यहाँ पे देख रहे हो ये लोअर प्लान है, ये अपर प्लान है। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों जो है ये 3 BHK के डुप्लेक्स है, बाकी के रेस्ट ऑफ तो यहाँ पे 2 BHK के डुप्लेक्स है, और ये वापस एंड में जो है ये 3 BHK के डुप्लेक्स है। तो इन 15 फ्लैट्स को आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 3 लिफ्ट और 2 स्टेयर केसेस। तो मैं एक जो लेआउट है इसका डुप्लेक्स का, वो मैं आपको 3D मॉडल में बताता हूँ। सो दिस इज 2 BHK डुप्लेक्स। सो ये है लोअर लेवल, ये है अपर लेवल, ठीक है। तो यहाँ से आप एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद में ये हो गया आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल रहा है, किचन को आपको ड्राई बैल्कनी नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपका आ रहा है टेरेस जो इस हॉल को कनेक्टेड होगा। अंदर आने के बाद में यहाँ पे किड्स बेडरूम, उसको एक अटैच वॉशरूम। यहाँ से आप स्टेयरकेस से ऊपर जाते हो, एक ही ऊपर मास्टर बेडरूम है जिसको एक बालकनी अटैच दी है, और ये मास्टर वॉशरूम है। तो किड्स बेडरूम नीचे है, मास्टर बेडरूम इसका ऊपर है 2 BHK डुप्लेक्स के हिसाब से, जो हमें लगता है कि यार अगर बच्चे छोटे रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज नीचे बेडरूम नहीं देना चाहिए कभी भी बच्चों का, हमेशा मास्टर बेडरूम के साथ में कहीं ना कहीं अटैच होना चाहिए। देखो बच्चे अगर बड़े हैं तो ठीक है, अगर छोटे बच्चे हैं और उनके हिसाब से डुप्लेक्स ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। और ये पूरे डुप्लेक्स का जो स्क्वायर फीट है वो है 644 स्क्वायर फीट, जो कि बहुत छोटा डुप्लेक्स है। ओके, तो ये है 3 BHK डुप्लेक्स जिसका स्क्वायर फीट है 1058। अब इसमें हमें क्या प्रॉब्लम लगती है मैं आपको बताता हूँ। ये आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करते से आपको सामने जो है ना किड्स बेडरूम का बाथरूम दिखेगा, मतलब ये दरवाजा आपको हमेशा बंद रखना पड़ेगा बिकॉज ये सामने बेडरूम है। आप यहाँ से जब लेफ्ट लोगे तब आएगा आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आपको बड़ा सा किचन मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्राई बैल्कनी मिल रही है, और यहाँ से आपका ऊपर जा रहा है स्टेयर केसेस, जो कि नीचे के लेआउट में जो वियर्ड लगता है विच इज दिस पार्ट। हम यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा पैसेज दिया है, इस पैसेज की यहाँ पे है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम के पीछे आपको यहाँ पे दिया है बाथरूम, ये है आपका गेस्ट बेडरूम, इसको दिया है बाथरूम अटैच, और यहाँ पे टेरेस। तो अगर देखा जाए तो 3 BHK में आपके आपको 2 बैल्कनीज मिल रही हैं। और अगेन ये डुप्लेक्स के हिसाब से 3 BHK 1058 बहुत छोटा कार्पेट है। यहाँ पे रूम साइज देखो 10x11 का रूम साइज है, 10.5x13 का रूम साइज है, एंड नीचे अगर आप किड्स बेडरूम देखो तो 10x11 का रूम साइज है। तो हमें पर्सनली लगता है कि डुप्लेक्सेस बहुत बहुत छोटे हैं, और उसके हिसाब से इनके प्राइजेस जो पहले लगाए थे वो बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पे देखो जब आप एंट्री करते हो ना, ये वाला स्पेस ये डेड स्पेस है, यहाँ पे भी अंदर जा रहे हो ये पूरी स्पेस, यहाँ पे वार्डरोब के स्पेस तो दिया है इन्होंने जो कि 10x11 में यहाँ पे वार्डरोब बिठाया ना, ये स्पेस में भी पता नहीं है कितनी स्पेस है, साइज नहीं लिखा है, यहाँ पे एक छोटा सा वार्डरोब बिठा दो, एटलीस्ट ये तुम्हारा डेड स्पेस नहीं होगा। सो ये है 2 और 3 BHK डुप्लेक्स का टावर। जितने भी डुप्लेक्स के टावर्स रहेंगे वो सब सेम टू सेम एज इट इज रहेंगे। और इस लेआउट में भी हमें क्या लगता है पता है कि जैसे बुक के जैसे दिख रहा है ना फोल्डिंग ओपनिंग बुक जो एल शेप में बनाया, तो यहाँ पे भी है ना कोई प्रिवेसी नहीं रहेगी आपको, इधर से आप इधर किसी के भी घर में ताका झाकी कर सकते हो, आपको दूरबीन लेके भी ताका झाकी करने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर दिख जाएगा इनके घर में क्या चल रहा है। सो ये है जी टावर। तो जी टावर में जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे और एक फ्लोर पे 22 अपार्टमेंट होंगे, और यहाँ पे है 12 फ्लोर, और स्टूडियो के इनका साइज है 241 स्क्वायर फीट,
उसके बाद में 26.05 का यूजेबल एरिया बैल्कनी का रहेगा। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, तो इसका जो साइज है वो 10.5x15 का है, जो कि एक लिविंग स्पेस से भी थोड़ा छोटा ही है। इसके अंदर ये लोग जो साइज दे रहे हैं, इधर यहाँ पे आप सोफा ही लगा सकते हो, या तो यहाँ पे एक सिंपल बेड लगा सकते हो, और कुछ नहीं लगा सकते। अगर आपको यहाँ पे बेड लगाना है, जो भी स्टूडियो में रह रहा है, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे दे रहे हैं वार्डरोब की, जो कि मुझे लगा कि हाँ ये अच्छी चीज है कि आपको यहीं पे कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े फॉर वार्डरोब। यहाँ पे आपको 3 लिफ्ट मिलेगी, 2 स्टेयरकेसेस। ओके गाइस, तो ये है सी टावर। तो सी टावर में जैसे मैंने आपको बोला था सिंप्लेक्स आएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, जो कि 2 BHK है, 3 BHK है। एक फ्लोर पे आपको 8 फ्लैट मिलने वाले हैं, और 2 लिफ्ट मिलेंगे और 2 स्टेयरकेसेस मिलेंगे। तो ये जो 2 BHK है, इनका कार्पेट साइज है 634 square feet, और 3 BHK प्राइम है ये जो 4, इनका स्क्वायर फिट है 842 square feet, और जो 3 BHK ग्रैंड है इनका है 1003 square feet। तो एक चीज, अगर आप इन फ्लैट्स की एंट्रीज भी देखोगे ना, तो ये 2 BHK और ये 3 BHK की एंट्री आमने सामने आ रही है। तो यहाँ पे ये 2 BHK की और ये 3 BHK की एंट्री सेम आमने सामने आएगी। यहाँ पे 3 BHK जो प्राइम है, ये दोनों इनकी एंट्री जो है वो ग्रैंड के अपोजिट में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी की प्राइवेसी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अंदर जाने के बाद में ये जो है ना, ये फायर लॉबी है। ये फायर लॉबी के साथ में इसकी लिफ्ट है यहाँ पे, और ये स्टेयरकेस है, और इधर साइड में आपको यहाँ पे स्टेयरकेस मिल रहा है। ये आपकी लिफ्ट की लॉबी हो गई, और यहाँ पे लिफ्ट है। अगर इस तरीके से देखा जाए ना, तो ये एक ही लिफ्ट बच गई आप लोगों के लिए 8 फ्लैट के लिए। तो आई एम नॉट श्योर कि जिन लोगों ने बुकिंग किया है उन्होंने ये चीज नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी। सो ये है 2 BHK ग्रैंड। सो यहाँ से आपकी एंट्री होती है, उसके बाद ये पूरा स्पेस आपका एल शेप होता है, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ से आप एंट्री करते हो तो ये हो गया आपका एल शेप का किचन। तो यहाँ से आपकी हो गई ये ड्राई बैल्कनी, और यहाँ पे आपको एक बैल्कनी मिल रही है। बहुत ही परफेक्ट लेआउट है ये, ठीक है। अब यहाँ से अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में भी अच्छी चीजें, कहीं पे बॉक्स नहीं दिया है। का कॉमन वॉशरूम, जो कि मास्टर बेडरूम के एंट्रेंस के यहाँ पे आता है। अब यहाँ से आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे एक चीज हमें अच्छी लगी कि इस वॉल की वजह से आपके बेडरूम की एक प्राइवेसी हो रही है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका रूम साइज देख लो आप। मास्टर बेडरूम 12x10, पता नहीं यार, मतलब हमने तो 15x15 वाले फ्लैट देखे हैं, रूम वाले साइजेस के फ्लैट देखे हैं। 12x10 मास्टर बेडरूम बहुत छोटा होता है। इट्स नॉट अबाउट गिविंग द वुडन फ्लोरिंग्स एंड ऑल, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका वार्डरोब लगाने की स्पेस ही नहीं बची, आपको इतना ही वॉल मिल रही है मास्टर बेडरूम में। आप कहाँ लगाओ के वार्डरोब, यहाँ पे आपका आ रहा है विंडो, और यहाँ पे आप टीवी यूनिट बिठा दोगे। ये वॉल को आपको एम्प्टी रखना पड़ेगा अगर यहाँ पे अगर आपको वार्डरोब बिठाना है तो, बिकॉज यही स्पेस मुझे दिख रही है। तो ये है इनका अटैच वॉशरूम। तो मुझे इस लेआउट में जितना परफेक्ट यहाँ से ये पूरा लेआउट लगा था, वहां पे ये लेआउट मुझे नहीं समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे स्पेस बहुत कम है 2 BHK के हिसाब से। सो ये है 3 BHK प्राइम, और ये है 3 BHK ग्रैंड। तो 3 BHK प्राइम जैसे मैंने बोला था 842 स्क्वायर फीट का, और ये 3 BHK ग्रैंड 1003 स्क्वायर फीट का है। जो 2 BHK है सब यहाँ पे सेम है, सिर्फ आपका एक यहाँ पे एक्स्ट्रा रूम बढ़ रहा है। 3 BHK होने के बावजूद भी आपको सिर्फ 12x10 का मास्टर बेडरूम मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है जस्टिस बिल्कुल भी नहीं करता है इस बेडरूम को। ओके, तो ये है आपका 3 BHK ग्रैंड 1003 स्क्वायर फीट। इस पूरे लेआउट में मुझे पहले बताता हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या लग रही है मुझे। एल शेप वाला जो एरिया दे रहे हैं लिविंग डाइनिंग का, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये स्पेस आपको गेस्ट बेडरूम की कम मिल रही है, तो आपका सोफा हाफ बाहर आएगा और ये आपका पैसेज में आ रहा है। अब आपको इतनी पोर्शन को कुछ ना कुछ डेकोरेट करके इसको कवर करना पड़ेगा, ताकि इसका जो बैक है वो ओपन ना रहे। तो ये आपका यहाँ पे इंटीरियर का खर्चा बढ़ गया है। तो यहाँ पे ड्राई बैल्कनी में आपको और एक सिंक मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज लगी हमें यहाँ पे, बिकॉज ये दूसरे कोई भी इनके लेआउट्स में नहीं थी, जो कि अच्छी है। तो अंदर आने के बाद में यहाँ पे आपका एक मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम कितना छोटा है, 11x10 का, वॉकिंग वार्डरोब बोल सकते हैं इसको। एक ड्रेसर टाइप की जगह दी है, जो कि वुडन फ्लोरिंग के साथ आएगी पूरी अटैच। यहाँ पे आपको एक बाथरूम मिल रहा है अटैच। तो यहाँ पे अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको किड्स बेडरूम मिल रहा है, एंड किड्स बेडरूम के साथ में अटैच वॉशरूम मिल रहा है। तो इस पूरे लेआउट में जो मुझे प्रॉब्लम लगा था वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा मुझे बेडरूम साइजेस जो है बहुत छोटे लग रहे हैं, इवन दिस इज 1003 स्क्वायर फीट। सो ये जो मेन रोड के यहाँ पे एफ वाला टावर आ रहा है, तो ये आपके पूरे शॉप्स रहेंगे, ठीक है। ये शॉप्स की वजह से ये आपका फर्स्ट फ्लोर जो है यहाँ पे ओनली 9 फ्लैट्स आ रहे हैं, लेकिन जब सेकेंड फ्लोर पे आप जाते हो ना, तो आगे इसके ऊपर 4 फ्लैट आएंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, वो इस तरीके से। अभी आपने जो लेआउट देखा था वो ये था, तो इसमें ये एक्स्ट्रा
ऊपर ऐड हो गया। एक्स्ट्रा जो चार फ्लैट ऐड हो रहे हैं ना, वो चारों भी हैं 2 BHK। तो ये है 678 स्क्वायर फीट का 2 BHK रो हाउस। तो इस पूरे लेआउट को मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको एड्रेस करा के दे दूंगा। जो मुझे मेन प्रॉब्लम लगा वो ग्राउंड फ्लोर में लगा, वो क्या है आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने इसको एड्रेस किया होगा या नहीं किया होगा। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो कि एक नीचे बेडरूम यहाँ पे दिया, एक बेडरूम यहाँ पे ऊपर दिया है। कहीं पर भी कॉमन में वॉशरूम नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, नॉट एज पर द फैमिली मेंबर्स, लेकिन कोई बाहर का मेंबर आया, कोई आ गया, अगर वो बोलता है कि यार मुझे वॉशरूम यूज करना है, फिर कोई आपका फैमिली मेंबर ही लेकिन दैट इज नॉट सो क्लोज, लेकिन कभी आते हैं, कभी वो बोलते हैं कि हमें वॉशरूम यूज करना है, तो आप उनको कहाँ भेजोगे? आपको किड्स बेडरूम में भेजना पड़ेगा। तो ये हमें लगता है कि बहुत सिली मिस्टेक हुई है यहाँ पे, कि एक वॉशरूम कॉमन में देना चाहिए था। उस लॉजिक से सोच के यहाँ पे ओनली एंड ओनली फोकस किया गया है किड्स पे एंड मास्टर बेडरूम पे, गेस्ट पे या फिर जो कॉमन में यूज होती हैं चीजें वहां पे इस पे फोकस नहीं है, जो कि हमें लगता है कि ये इसका बहुत बड़ा कॉन बन जाता है फॉर रो हाउसेस। सो ये है 3 BHK रो हाउस, ये है 1081 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे वो प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करी है जो मैंने 2 BHK रो हाउस में आपको दिखाया था, कि यहाँ पे आपको कॉमन में बाथरूम मिल रहा है बिकॉज दिस इज एन गेस्ट रूम। यहाँ पे उन्होंने उसको एज अ गेस्ट रूम कंसिडर करके यहाँ पे कॉमन में वॉशरूम दिया है, वरना इसको भी वो अंदर ले सकते थे। तो ये सेम चीज वहां पे भी कर सकते थे। देखो कैसा है, किड्स बेडरूम में फिर वो ऐसा सोच लो कि किड्स हैं तो बाहर आने से बेटर है कि बेडरूम में उनका किड्स अटैच रहे। अच्छी सोच है, बुरी नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर थोड़ी बहुत तो उसकी वॉशरूम के छोटा सा वॉशरूम तो बना लेना चाहिए था एटलीस्ट जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए, जो कि यहाँ पे उन्होंने वो चीज करी है। तो अगेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे आपकी पार्किंग बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे आपका किचन एल शेप का हो जाएगा जो कि वहाँ स्ट्रेट था। यूटिलिटी में आपको यहाँ पे एक बेसिन मिल रहा है, बड़ा सा गार्डन मिल रहा है यहाँ पे। सो ये ऊपर आने के बाद में यहाँ पे राइट साइड में टेरेस है, लेफ्ट साइड में किड्स बेडरूम है, किड्स बेडरूम को अटैच वॉशरूम दिया है, अगेन वुडन फ्लोरिंग के साथ में आपका मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम मुझे अच्छा लगा बिकॉज ये 16x12 का मास्टर बेडरूम है जो कि काफी बड़ा है, बट यहाँ पे एक छोटी सी इतनी स्पेस बन रही है आपकी। एक वार्डरोब का आप स्पेस रख सकते हो, बाकी एक वार्डरोब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। इसको भी अटैच यहाँ पे बाथरूम है और यहाँ पे अटैच टेरेस है। तो अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको 2 टेरेसेस मिल रहे हैं। तो ये 3 BHK का एंटायर लेआउट जो है मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अगर किसी ने लिया है ये 3 BHK तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज ऑफ द स्पेसिंग, क्योंकि यहाँ पे बेडरूम के स्पेसेस भी बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 जगह डेड स्पेस लगती है, एक ये वाला स्पेस और यहाँ पे एक ये वाला स्पेस, बिकॉज यहाँ पे अगर एक बेसिन भी बिठाते ना बाहर तो ये अच्छा होता, ये यूटिलाइज में आता, यहाँ पे आपको सामान वामान डम करने में काम आएगा। तो यहाँ पे 2 ही डेड स्पेस है, बाकी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन है यहाँ पे स्पेस का। सो गेरा इसको चाइल्ड सेंट्रिक जो बना रहा है, तो वहां पे ना बहुत सारे एकेडमीज वो लेके आने वाला है। अब वो कौन से एकेडमीज है वो मैं एक बार दिखाता हूँ, आप देख लो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना कि मैं थक गया एक्सप्लेन करते करते। एनीवेज तो सारी डिटेलिंग मैंने आपको दे दी। अब इसकी रही बात प्रोस कॉन्स की, अगर मैं इसकी प्रो की बात करूँ तो देखो गेरा बिल्डर नामी बिल्डर है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक अलग सा लेबल लेके चलते हैं अपने मार्केट में। बिल्डर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सॉर्ट आउट है बिकॉज वो पोजीशन ऑन टाइम देते हैं या बिफोर टाइम देते हैं। तो खराड़ी में मैक्सिमम जो है गेरा का एरिया का ज्यादा है और गेरा के प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो आपको डिलीवरीज एंड पोजीशन को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका लोकेशन प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा है। देखो ये आ रहा है अपर खराड़ी जो कि वागोली आ रहा है, जो कि ऐसे बोल सकते हैं कि गेरा के वजह से ही है ना ये एरिया डेवलप हुआ है, जब सबसे पहले वर्ल्ड ऑफ जॉय उस एरिया में आया उसके बाद, क्योंकि मैजेस्टिक टावर तो आया ही था बट आगे जो है वो आया वर्ल्ड ऑफ जॉय। गेरा के नाम से ही है ना वो एरिया थोड़ा एस्टेब्लिश्ड है। सो वो लोकेशन बहुत अच्छी है, उसकी कनेक्टिविटी दोनों साइड की, नगर रोड की भी है और खराड़ी की भी है। उसके बराबर सामने प्लैनेट ऑफ जॉय है इनका भी, अभी लोधा भी वहां पे आया है, तो एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, वो रोड वाइडनिंग भी हो जाएगी फ्यूचर में। और जहां पे वर्ल्ड ऑफ जॉय का लैंड है उसके एग्जैक्ट राइट साइड में गोयल गंगा का लैंड पार्सल है, वहां पे गोयल गंगा क्या लाएगा वो गोयल गंगा पे डिपेंड है। बट हमें जो पर्सनली लगता है, ओपन फेसिंग वाले भी जो इसमें फ्लैट्स हैं सी और डी, उनके सामने आगे चल के बिल्डिंग आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती।
चौथा प्रो में अगर ये बोलूं कि उस रोड पे लोधा, गेरा, पंचशील, ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना वहाँ पे, प्लस जैसे मैंने आपको बोला गोयल गंगा भी वहाँ पे, तो आने वाले टाइम में ना वो एरिया का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज बड़े बिल्डर्स हैं वहाँ पे। एंड वीजे एंड कोहिनूर भी है, वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे पंचशील का भी लैंड पार्सल है, तो ऐसा देखा जाएगा ना सब मिला के वो एरिया का डिमांड बहुत होगा बाद में, मतलब आपको एप्रिसिएशन वैल्यूज वगैरह बहुत जल्दी और बहुत अच्छी मिलेगी उस एरिया में। अगला प्रो मुझे ये लगता है कि जो एकेडमीज दे रहे हैं बच्चों के हिसाब से, वो एक अच्छी चीज हमें लगी, जो चाइल्ड सेंट्रिक फोकस है ना उनका, वो अच्छा लगा हमें। तो आपको अगर आपके बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ करवानी है, आप उनको जानना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है जिसके लिए ये लोग ये सब चीजें कर रहे हैं अंदर, तो कि मुझे अच्छी लगी ये चीज। ये जो एरिया है ना जहाँ पे खराड़ी का जो फेज टू वाला एरिया आता है, वहां पे अगर आप देखोगे ना 10+ प्रोजेक्ट्स तो गेरा के ही है, जो गेरा ने पूरा एरिया को बनाया है, तो आपको एक एलिमिनेशन हो जाता है एज पर बिल्डर के, आपको सोचने की जरूरत नहीं है बिल्डर को लेके स्पेशली। इसलिए हो सकता है कि जब वर्ल्ड ऑफ जॉय लॉन्च हुआ था तब लोगों ने सोचा नहीं, देखा नहीं, सैंपल फ्लैट भी नहीं था, फिर भी लोगों ने बुकिंग कर दी थी वहां पे, है ना। तो एक बिल्डर का नाम या फिर एक बिल्डर का टैग या बैकग्राउंड उस तरीके से आपके साथ जुड़ जाता है, यही रीजन है, ठीक है। क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है जो गेरा दे रहा है वहां पे। तो यहाँ पे एक और चीज मुझे अच्छी लगी, जो एमिनिटीज है ना, इतनी सारी एमिनिटीज है बट फिर भी उसको बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने कि कहीं टेरेस पे ले गए। 3 एकड़ की जगह है, उसमें उन्होंने 6 टावर का क्लब हाउस, अरीना वाला स्पेस, फिर एक छोटा क्लब हाउस, और हमने ये भी देखा है कि जो 6 टावर का क्लब हाउस है उसमें भी स्विमिंग पूल है, बाहर भी स्विमिंग पूल है, रो हाउसेस के पास भी स्विमिंग पूल है, प्लस 3 टेनिस कोर्ट बाहर है, 3 टेनिस कोर्ट अंदर है बिल्डिंग के, मतलब इतने एमिनिटीज वो दे रहे हैं। बट ये एक प्रो भी हो जाता है और एक कॉन भी हो जाता है। रीजन क्या है पता है, ये दे तो रहे हैं सब, लेकिन आपसे मेंटेनेंस चार्जेस भी उतने ज्यादा ले रहे हैं, 8 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट बनता है यार अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल 2 BHK जो 600 स्क्वायर फीट का भी है, अगर वो भी अगर आप देखते हो ना, तो 5,000 रुपए आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा सिर्फ उस फ्लैट का, जो कि 650 स्क्वायर फीट है। प्लस गेरा ये बोल रहा है, अपफ्रंट बोल रहा है कि यार हम मार्केट में वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम जो पॉकेट का एक्चुअल प्राइसिंग है उससे ज्यादा हम बेच रहे हैं, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि वो प्रीमियम है। अगर उस जगह का या फिर उस लोकेशन का उतनी वैल्यू नहीं बनती है तो भी वो उतना एक्स्ट्रा लगा के बेच रहे हैं, जो कि एक प्रो में भी आ जाता है एज पर बिल्डर, बट उसका एक कॉन भी हो जाता है साथ में कि यार उस जगह का उतना रेट नहीं है, फिर भी आप उसको इतना हायर साइड में बेच रहे हो, तो वो दोनों चीजें आती है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रो आ जाता है, उसका एक बड़ा कॉन भी बन जाता है, जो कि बहुत सारे लोग भी होंगे ऐसे, वो सोचेंगे यार प्राइजेस इसके बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसके प्राइजेस जो अभी है मार्केट में वो 80 लाख से स्टार्ट होके 1.92 CR तक जाते हैं, जो कि 4 BHK आएगा इनका। और मेरे पास इसके लेआउट्स भी हैं जो 2 BHK ग्रैंड और 3 BHK प्राइम के, लेकिन हम अभी शेयर नहीं कर सकते आपके साथ बिकॉज उनका रेरा नहीं आया है। प्रो में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि उन लोगों ने जो 3 BHK का रो हाउस है प्लस वो सिंप्लेक्स में जो 3 BHK है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है एज पर कार्पेट, 2 बेसिन्स दे रहे हैं वहां पे, कार्पेट साइजेस भी अच्छे हैं अंदर, बेडरूम के साइजेस अच्छे हैं, तो ये अगर साइड देखा जाए तो अच्छा है। लेकिन बाकी जो लेआउट्स हैं, जो छोटे कार्पेट्स हैं, स्पेशली द डुप्लेक्सेस वन, हमें डुप्लेक्सेस नहीं पसंद आए बिकॉज उनके कार्पेट साइज भी बहुत छोटे हैं, प्लस हमें वहां पे डेड स्पेसेस भी बहुत सारे दिखे। एक और प्रो मुझे ये लगता है कि उन्होंने महाड़ा की बिल्डिंग पीछे अलग से दी है, जिसकी एंट्री एग्जिट जो है वो अलग ही रखेंगे। और एक प्रो मुझे ये लगता है कि वहां पे कमर्शियल भी आ रहा है बाहर, अगर कल को चल के वहां पे ऑफिसेस भी आ जाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट है उसकी एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, उसके प्राइजेस और बढ़ेंगे फ्यूचर में चल के। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इन्वेस्टर के लिए भी अच्छे है और रहने के हिसाब से भी अच्छी है, कल को चल के उसके रिटर्न्स अच्छे ले सकते हो, ठीक है। और जो खुद रहने वाले हो वो भी एक अच्छे स्पेसेस एनवायरमेंट पे आप रहोगे विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैमिलीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 2 BHK हैं, 3 BHK, वहाँ पे स्टूडियो है, 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK सब है, जो कि ये भी एक प्रो भी हो जाता है, कॉन भी हो जाता है, बिकॉज लोग बहुत सारे होंगे। आई एम नॉट श्योर कि यार कुछ दिनों के बाद जाके वो एक ऐसा कंजेस्टेड सा
चौल टाइप में ना बन जाए, मुझे उस चीज का डर है बस। एक और प्रो उसका ये है कि प्रोजेक्ट के बाजू से एक डीपी रोड बनने वाला है जो कि डायरेक्ट जाके कनेक्ट करेगा खराड़ी को, जो कि वो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। आपको पूरा पंचशील टावर से ऐसा घूम के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रोजेक्ट के बाजू से डायरेक्ट टच कर जाओगे गेरा इंपीरियम के सामने, तो एक कनेक्टिविटी वो अच्छी हो जाएगी आपको फ्यूचर में। तो मैंने अभी आपको प्रोज बताए, तो अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्स। देखो प्रोज जो है वो आपको सेल्स वाले भी बता देंगे, ठीक है, लेकिन जो मैं कॉन्स बताऊंगा आपको उसको ध्यान से सुनो और उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो भी देखो। तो सबसे पहला कौन मुझे लगता है कि वहां पे जो टावर्स बना रहे हैं वो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जो भी आगे बढ़ाए उनका, ठीक है, तो इतने सारे टावर्स एक एक फ्लोर में, इतने सारे फ्लैट, इतने लोगों को कैटर कर रहे हैं फ्रॉम स्टूडियो टू 4 BHK एंड अगेन विद द रो हाउसेस, तो मुझे लगता है कि यार वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्के में रह रहे हो। हमने इतने दिनों से बहुत सारे वीडियोस बना रहे, हमने ये भी देखा है कि एक फ्लोर पे 8-8 फ्लैट है, राइट, तो वहां पे भी एक कैलकुलेशन एवरेज निकलता है, भाई यहाँ पे 1200 से 1500 फ्लैट बनेंगे, मैं तो रो हाउस पकड़ भी नहीं रहा हूँ इसके अंदर, तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा पब्लिक होगी वहां पे। दूसरा जो उनके सिंप्लेक्स वाला जो टावर है वहां पे तो मुझे एक की लिफ्ट दिखी है, दूसरी लिफ्ट तो उनके फायर वाली है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो 8 फ्लैट को एक लिफ्ट किस हिसाब से केटर करेंगे। आई एम नॉट श्योर, अगर कोई गेरा वाला भी ये देख रहा होगा आप बोलोगे नहीं सर हम 2 दिए हैं, बिकॉज आपका जो लेआउट मुझे दिख रहा है ना, तो एक है फायर वाला लिफ्ट और एक है आपका नॉर्मल लिफ्ट। अब एक लिफ्ट में 8 फ्लैट कैसे करोगे आप, वो चीज मुझे बहुत अजीब लगी, मेरे को समझ में नहीं आया। प्लस डुप्लेक्सेस, भाई 15-15 डुप्लेक्सेस एक फ्लोर पे, किस हिसाब से उसका स्पेस होगा? आप ये सोचो कि अंदर पैसेज किस हिसाब से होगा, आप ये सोचो कि आमने सामने फ्लैट्स होंगे, आपके प्रिवेसी कहाँ है, आप इतना पैसा डाल रहे हो ना उस चीज के पीछे, उस एंगल से सोचो, कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले वो सारी चीजें देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हो कि हमेशा लैविश हो, हमेशा ओपन स्पेस हो, हमेशा वैसा हो, नहीं, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो इतना कंजेस्टेड हो, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो उसके अंदर, इतने ज्यादा फ्लैट्स हो एक फ्लोर पे, भाई वहां पे स्टूडियो हो सकता है कि बैचलर्स भी आके रह ले, क्योंकि स्टूडियो है ना वो, उस हिसाब से सोचो आप। कैसा होता है जब आप रेंटल पे भी देते हो ना स्टूडियो अपार्टमेंट को भी, तो आप ये भी देखते हो ना कि वहां पे कौन रहने वाला है, स्टूडियो में फैमिली तो बहुत कम ही रहेगी, बिकॉज उनके स्टूडियो में वो स्पेस नहीं है वहां पे, तो उस हिसाब से सोचो कि वो भी लोग केटर होंगे, 4 BHK वाले भी वहां पे केटर होंगे, रो हाउसेस वाले ऑलरेडी उनको पोजीशन दे दी गया है। तो हमने जो है ना ये पहले प्रोजेक्ट देखा नहीं था बिकॉज उनके फ्लैट्स नहीं थे, हमने ये कोशिश करी थी कि यार एटलीस्ट वो एक्सेस मिल जाए और वो देखने मिले हमें कि क्या वो दे रहे हैं। तो उन लोगों को क्या लगा कि यार ड्रोन शॉट्स, ये शॉट्स, उसमें हम लोग बहुत लेवरेज करके दिखा सके उस चीज को, बट हमें लगता है कि यार जो इंटरनल है दैट इज इम्पोर्टेंट, ना कि ऊपर से आप बहुत अच्छा अच्छा दिखाओ उस चीज को, पार्किंग किस हिसाब से दे रहे हैं, लोअर पार्किंग किस हिसाब से दे रहे हैं, अंदर की स्पेस कितनी है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करो, ठीक है, देखो चीजें क्या है वहां पे। हाँ, अगर आप मुझे या नक्टू को पर्सनली पूछोगे ना आप गेरा में पैसा लगाओ के इस बिल्डिंग में, तो मैं तो नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ द कार्पेट साइजेस, बिकॉज ऑफ द केटरिंग जो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस वो ले रहे हैं, वो इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं लेकिन पैसा तो आपसे ले रहे हैं। वो चीज देखो, वो चीज पे सोचो आप, ठीक है। प्लस एकेडमीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चलो बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है, सामने पोद्दार स्कूल है, बहुत अच्छी चीज है, लोकेशन वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इवेंचुअली इतने बड़े स्टार के अगर एकेडमीज में आप बच्चों के एडमिशन लोगे तो आप सोचो कि उनकी फीस कितनी होगी। अपने पॉकेट की तरफ भी देखो साथ में, मेरा बोलने का पॉइंट बस इतना ही है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, पता चले कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे जो मुझे जो सबसे बड़ा कौन लगता है वो यही है कि बहुत एक्सटेंड लेवल तक उन्होंने बढ़ाया। सेम चीज उन्होंने प्लैनेट ऑफ जॉय में भी करी है, वहां पे भी रो हाउसेस बनाए और पीछे ढेरों सारे 3 लेवल में एमिनिटीज देके पीछे अगेन फ्लैट्स वगैरह बनाए हैं सेम, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो भी चीज उसी तरीके की, बट वो हम अलग से वीडियो में बात करेंगे उस चीज को लेके। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो सोचने में आती है जब आप कोई चीज को बगैर देके पैसा इन्वेस्ट करते हो, अनलेस अंटिल आप श्योर हो, आपको नहीं फर्क पड़ता कि क्या प्रोवाइड हो रहा है, आपको बिल्डर से मतलब है, उनकी चीजों से मतलब है, तो फिर इट्स गुड फॉर यू। अब इसके बाद एक कौन मुझे लगता है, बिल्डिंग का एलिवेशन, जो कि ए बिल्डिंग है, बी बिल्डिंग है, जो एल शेप में बना रहे हैं ना, मैंने आपको लेआउट में बताया प्रिवेसी पूरी खत्म हो रही है, भाई ए बिल्डिंग के पीछे भी है ना महाड़ा आने वाला है, तो ओपन व्यू
महाड़ा में गया, अंदर का व्यू प्रिवेसी खत्म हो गई, सामने बिल्डिंग है, सभी साइड से आपके बिल्डिंग दिखेगी, है ना। तो ए एंड बी फिनिश हो गई, सी एंड डी ओपन में गंगा का लैंड पार्सल है, पता नहीं ओपन में वहां पे आगे क्या आएगा, रो हाउसेस दिख रहे हैं उसके बाजू में, क्या आने वाला है नॉट श्योर। कुछ बिल्डिंग आ गई, आपका व्यू खत्म हो गया, पार्शल व्यू आएगा आपको। अंदर साइड में सामने फ्यूचर डेवलपमेंट वाली बिल्डिंग आ रही है, अंदर का भी व्यू आपका खत्म हो गया। ई बिल्डिंग का प्रॉब्लम क्या बताए, ई बिल्डिंग का अंदर का व्यू खत्म हो गया, ओपन व्यू गोयल गंगा का आ रहा है, और उसका जो दूसरे साइड का व्यू है वहां पे एफ बिल्डिंग का टावर आ गया जो कि एकदम करीब है, जो कि आपका दोनों साइड से व्यू खत्म हो रहा है। एफ बिल्डिंग सेम प्रॉब्लम, एक साइड कमर्शियल आएगा, एक साइड गोयल गंगा, और सामने ई बिल्डिंग का टावर। तो मुझे सभी जगह से कोई भी टावर ऐसा नहीं लगता है कि जो ओपन व्यू में है। फ्यूचर डेवलपमेंट का ही एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसका अंदर का व्यू भले आपका सामने खत्म हो रहा है लेकिन जो ओपन व्यू है वो अच्छा हो सकता है, बिकॉज वहां पे सामने अभी फिलहाल तो भाई ओपन लैंड पार्सल है, कल को क्या है नहीं पता, अभी के लिए अच्छा है कि जब आपका पोजिशन मिल रहा है तब को आपको अच्छा व्यू मिलेगा। उसकी प्रॉब्लम क्या पता है, वो साउथ फेसिंग आ रहा है। अब मैं श्योर नहीं हूं कि साउथ फेसिंग में कितने लोग फ्लैट लेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको कॉम्प्रोमाइजेस हैं इन द टर्म ऑफ व्यू, इन द टर्म ऑफ फेसिंग। उस प्रोजेक्ट में क्लियर मुझे ये दिखाई दिया जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ये कोई निगेटिव पॉइंट में इस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअल सिनारियो है उस प्रोजेक्ट का वो मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि आपको दिख रहा है। अभी मेरे बोलने के बाद में आप एक बार वापस जाओ, वो पूरा लेआउट देखो, वीडियो को पीछे लो, आपको पूरा लेआउट देख के समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपने उस चीज को भले देखी होगी लेकिन आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे शेयर कर रहा हूं। सो अगर ये वीडियो कोई पहली बार देख रहा है, मुझे पहली बार देख रहा है, नकटू को पहली बार देखा है, तो हम इस तरीके के वीडियोस लाते हैं ताकि हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो कि उनको क्या चीजें लेनी चाहिए, किस हिसाब से उनको सोचना चाहिए। अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार नहीं हम ये चीज अच्छा हम कर रहे हैं, आप लोगों की इस चीज से हेल्प हो रही है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियोस को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाओ। सब्सक्रिप्शन के लिए भी बोलो कि यार सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो जेन्युइन में अच्छी है, वहां पे हम बिल्डर के साथ में भी बात करते हैं आप लोगों के लिए कि यार हमारे सब्सक्राइबर का हमें मैसेज आया, कभी हमने आपको वहां पे भेजा तो आप उनको एक अच्छी डील दो। बट वो सिर्फ और सिर्फ हम वही करते हैं जहां पे हमें लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, चीजें सही हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी हम वो चीज करते हैं। हम ईच एंड एवरी बिल्डर के साथ वो चीज नहीं करते जहां पे हमें लगता है कि यार प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं, फ्यूचर में चीजें हो सकती हैं, तो हम उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड है, थोड़ा सा व्यू के प्रॉब्लम्स, कार्पेट साइजेस के थोड़े प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को केटर कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट आपसे जो मांग रहे हैं, प्राइसेस जिस हिसाब से, तो ये सब चीजें देख के हमें लगता है कि यार थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्राउड थोड़ा सा कम होके थोड़ा स्पेसियस चीजें हो सकती थी, बस यही हमें लगता है। रेस्ट इज योर थॉट, इज योर कॉल। ठीक है, तो फिर उम्मीद है आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे इस ब्लॉग पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसी तरीके से हमारे साथ और नए वीडियोस के साथ में बने रहो, और बेल आइकन जरूर दबाना, बिकॉज जैसे हमारे ऐसे वीडियोस आए आपको तुरंत और तुरंत पहले ही आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए और तुरंत हमारा वीडियो देखो। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो दिस इज राहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे सलामत।